जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। प्यारे साथियों, आज मैं बात करूंगा एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन टेक्निकल भर्ती 2023, जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट का। और रिजल्ट का इंतजार इसलिए ज़्यादा किया जा रहा है कि भाई इसका जो है, जैसे आंसर की एकदम फटाफट आई थी, तो अभी तक रिजल्ट क्यों नहीं आया, तो इस पर भी बात करूंगा। प्यारे साथियों, देखिए, आपका जो ये भर्ती है, ये भर्ती के पीछे एक भर्ती और चली आ रही है, आपको शायद ध्यान हो, 2020 की भर्ती, वो भी ट्रेड्स की भर्ती है, जिसका कंप्लीट होने में थोड़ा सा कुछ बचा हुआ है, वो भी मैं बताऊंगा। और आपका रिजल्ट कब तक जारी कर दिया जाएगा, विभाग के अंदर क्या तैयारी चल रही है आपकी भर्ती को लेकर, इस पर भी मैं अपडेट आपको देने वाला हूं। तो वीडियो में एकदम बने रहें और वीडियो को पूरा वॉच करें, ठीक है दोस्तों। ये आपकी जो मैं भर्ती की बात कर रहा हूँ, 693 पोस्ट की कर रहा हूँ, 13,860 विद्यार्थी हो जाओ तैयार। बिल्कुल सही बात है, 13,860 विद्यार्थी तैयार हो जाओ अपने जो है अगले स्टेप के लिए। आपका होने वाला है ट्रेड टेस्ट मेडिकल डीबी। इसमें देखिए, अब कुछ बच्चों का जो कमेंट है वो ये है कि सर तैयारी करने में मन नहीं लग रहा है जब तक कि हमारी आंखों के सामने रिजल्ट ना आ जाए, या फिर इसकी कट ऑफ कितनी रह सकती है, आपका आंकड़ा क्या हो सकता है, या जो आपने इतने बच्चों से जो है रूबरू होते हैं, और आपके ने जो कम्युनिटी पे भी जो है किया था पोस्ट, उसके आधार पे जो है कहाँ तक जो है इसका जा सकती है मेरिट, ताकि हम जो है अपना मन बनाएं जो है इसके ट्रेड टेस्ट के लिए। तो प्यारे साथियों, मैं आपसे एक बात जरूर कहूँगा, एसएसबी एक ऐसा विभाग है जो क्या आपको कुछ करने का मौका नहीं देगा। जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपके हाथों हाथ ही आपके ज्वाइन, मतलब अगली कॉल लेटर भी यहाँ पर अपलोड किए जाएंगे, और आपको 2 से 3 दिन का ही समय यहाँ पर दिया जाएगा। पिछली बार तो 29 को तो रिजल्ट आया और 1 तारीख से आपके ट्रेड टेस्ट थे, समझ गए? तो आप समझ सकते हैं एसएसबी कैसा विभाग है। अब बात करूंगा इसका रिजल्ट क्यों लेट हो रहा है। देखिए, एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती 2020 की चल रही है, जिसके कुछ कैंडिडेट अभी बचे हुए हैं सस्पेक्टेड वाले, ईडब्ल्यूएस तक तो क्लियर कर चुके हैं, सस्पेक्टेड वाले। अब देखिए, आप लोगों का जो पेपर कराती है, पेपर एजेंसी कराती है, जिसका काम होता है पेपर तैयार कराना, पेपर को करा के उसके आंसर की देना, उसका रिजल्ट दे देना, किसको, विभाग को। बाकी काम होता है विभाग का, ट्रेड टेस्ट कराना, आपका मेडिकल कराना, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना। तो विभाग अभी किस काम में लगा हुआ है, 2020 की भर्ती सस्पेक्टेड की फंसी हुई है, जिसमें बच्चों ने कोर्ट केस भी किया है कि हमारी भर्ती को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, क्यों वहां पर बच्चे ज्वाइनिंग कर गए हैं और इधर बच्चे सस्पेक्टेड में घर पे ही बैठे हैं, या तो उनका सिलेक्शन हो या फिर उनको फेल किया जाए, समझ गए? तो भर्ती पहले प्रायोरिटी किसको दी जा रही है, 2020 की भर्ती को, क्योंकि उसमें जो है कोर्ट ने भी मांगा है कि इसको भर्ती को जल्द से जल्द क्लियर करें। तो पहले कौन सी भर्ती क्लियर हो रही है, 2020 वाली, जिसमें ईडब्ल्यूएस तक तो क्लियर हो चुका है, सस्पेक्टेड वाले 138 बच्चे पहले से थे, 10 बच्चे और मिले हैं, तो 148 बच्चे सस्पेक्टेड वालों के डॉक्यूमेंट्स का काम चल रहा है, जो विभाग से जानकारी है। इसके बाद में आप लोगों का काम तुरंत ही शुरू कर दिया जाएगा जैसे उनका कंप्लीट होगा। तो भाई उनका कब तक कंप्लीट होगा, तो विभाग ने जो है दिसंबर में जब रिट दायर की थी तो 2 महीने का समय मांगा था, तो जनवरी टू फरवरी, समझ गए, मार्च में उन लोगों का 101% उनको देना ही होगा, सस्पेक्टेड वालों का कंफर्म रिजल्ट। तो आप समझ सकते हैं फरवरी के लास्ट तक ही आप लोगों का भी फिर रिजल्ट यहां पर अपलोड हो सकता है, उनका कंफर्म होने के बाद में, ठीक है। या जैसे क्या, इन्होंने ग्राउंड वगैरह की तैयारी है, तो ग्राउंड में तो इनकी ड्यूटीज वगैरह जैसे लगाई जाती है, सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे और इधर जो है रिजल्ट आपका आउट कर दिया जाएगा। तो मेरा घुमा फिरा के सिर्फ एक ही मकसद है, यदि आप इन भर्तियों के लिए एलिजिबल हैं, आपके नंबर ठीक ठाक हैं, तो आप ट्रेड टेस्ट को मजबूत कर लें। यदि आपको पता नहीं है कि किस ट्रेड में क्या क्या कराते हैं, तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसी ट्रेड पर मैं फिर से वीडियो दूंगा। वैसे सारी ट्रेडों पर मैं वीडियो बना चुका हूं, और आप जिस ट्रेड में फॉर्म भरे हैं तो उस ट्रेड में आप खुद भी इतने अच्छे से माहिर होंगे, मैं आशा करता हूं कि बड़े अच्छे से आपने वो काम सीख लिया होगा, चाहे आप ड्राइविंग है, कुक है, वाटर कैरियर है, वेटर है, वाशरमैन है, जो भी है, आपने अपने ट्रेड पर मेहनत की है और उस ट्रेड को अच्छे से अचीव कर लिया है, ठीक है। इसके बाद में तैयारी करने का मन नहीं कर रहा, रिजल्ट आए तो तैयारी की जाए। देखिए, रिजल्ट आने के बाद में आपको ट्रेड की तैयारी के लिए तो मौका मेरे हिसाब से तो नहीं मिलेगा, कि 2020 वालों को भी मौका नहीं मिलेगा। तो मैं इस क्वेश्चन का जवाब यही देना चाहूंगा कि आप जो है ट्रेड की तैयारी कर लें, वरना तो बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं होगा आपके पास में, समझ गए। इसके बाद क्या रिजल्ट जल्दी ही आएगा, रिजल्ट आपका जल्द ही आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है।
जैसे सस्पेक्टेड वालों का कंप्लीट हो जाएगा वैसे ही आपका रिजल्ट अपलोड हो जाएगा। ठीक है, अपलोड तो तैयार है, बस क्लिक ही होना बाकी होता। 12 फरवरी को रोजगार मेला लगा है जिसमें का ईडब्ल्यूएस के प्रमाण पत्र मतलब ज्वाइनिंग लेटर यहां पर बांटे जा रहे हैं। आपका मेला कब लगेगा? आपका मेला जो है जून में ज्वाइनिंग ये लोग कराते हैं, मई टू जून में। तो मुझे आशा है कि आपका जो है मई में ज्वाइनिंग होगी, तो वही अप्रैल के लास्ट तक आप लोगों का भी मेला लगेगा। ठीक है, इसके बाद में क्या इलेक्शन से कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोई नया नोटिफिकेशन नहीं, पुरानी वैकेंसी है आपकी, तो इलेक्शन से कोई भी फर्क यहां पर नहीं पड़ने वाला है। कट ऑफ की मैं बात कर लेता हूं। देखिए, आप अगर पासिंग मार्क्स पर भी हैं, पासिंग मार्क्स पे, तो आप जो है तैयारी कर लेने, वरना कल को हमसे कहेंगे आपने तो बताया था इतना मेरिट जाएगा, यहाँ तो पासिंग मार्क्स पर ही बच्चों को लिया गया। बिल्कुल सही बात है, पासिंग मार्क्स पर ही कुछ ट्रेडों में बच्चे लिए जाएंगे, जैसे ड्राइवर है, आपका पेंटर है, मतलब कुछ ट्रेड ऐसी जिसमें के खाली पासिंग मार्क्स पर ही बच्चों को यहाँ पर लिया जाएगा। समझ गए? तो पासिंग मार्क्स तो आपको पता ही होगा, 45% to 50%, 50 में हो जाएगा ईडब्ल्यूएस, हो जाएगा अनरिजर्व, हो जाएगा ओबीसी, हो जाएगा। ठीक है, इधर में एसटी एससी महिला, तो इनको जो है यहाँ पर रखा गया है, तो आप लोग समझ सकते हैं। तो इसमें जो है 45% और 50% का ही बाउंडेशन है। ठीक है, तो आप लोग से आशा करता हूं कि आप अपने ट्रेड की तैयारी अच्छे से कर लें, वरना आपके पास में पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं क्या सर उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती के बाद रिजल्ट आएगा? देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती के बाद रिजल्ट आएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती तो 17 और 18 फरवरी को है। तो आशा करता हूं उसके बाद रिजल्ट आए, तो भाई जो बच्चे इसमें कटने होंगे तो चले जाएंगे, ताकि आप लोगों को थोड़ा फायदा और ज्यादा मिल जाए। ठीक है, वैकेंसी जितनी लेट होती है थोड़ा सा मेरिट तो डाउन जाती है, परंतु नुकसान ये होता है कि काफी बच्चे मेहनत करते हैं और उसके वेट में बैठे रहते हैं। जैसे कि लेखपाल की भर्ती 2017 से लेकर 2023 में जाके 23 का 24 में जाके कंप्लीट हुई है, अब आकर उनकी ज्वाइनिंग हुई है, बहुत लंबी भर्ती चलती है, तो आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों। इसी बीच देखिए, अगर आप सोच रहे हैं हमारा रिजल्ट लेट हो रहा है, ऐसी बात नहीं, सीआरपीएफ का आपसे भी बहुत पहले एग्जाम हुआ था, सीआरपीएफ का जुलाई में एग्जाम हो रखा है और अभी तक भी उन लोगों का जो है रिजल्ट नहीं आया है। तो आप समझ सकते हैं कि आपकी वैकेंसी को कितना लेट किया जा रहा है। ठीक है, जैसे ये सस्पेक्टेड वाला कंप्लीट हो जाएगा तो आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है प्यारे साथियों, मिलता हूं फिर अगली वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, यदि आपको लगता है कि खाली बकवास करते हैं, कोई फायदा नहीं है इनकी वीडियो देखने से, तो चैनल को डिसलाइक कर सकते हैं, तो अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा वो कर सकते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, मेरी तरफ से आपकी छूट है, मिलता हूं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।